नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले कुछ सालों से रिसर्च इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ। हमारा ये वीडियो मशीन लर्निंग का एक क्लिप है, क्योंकि मुझ तक कुछ इस तरह के रिक्वेस्ट आई हैं या कुछ इस तरह की बातें मुझ तक पहुँची कि वीडियोज़ काफ़ी लंबी हैं। देखो, लंबी तो होंगी ही, अगर मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा तो पहली बात तो ये कि मैं उस तरह से नहीं समझा सकता जिस तरह से मैं समझाना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं कभी भी याद करके कुछ नहीं पढ़ाता, है ना, जो फ्लो में निकल गया सो निकल गया। तो जितना मुझे जिस चीज़ के लिए नेसेसरी लगता है मैं उस हिसाब से उसको चलता हूँ। फिर भी इस बार हमने कोशिश की है कि आपको कुछ एक छोटी वीडियो भी दे सके। उसके लिए हमने क्या करा है कि जो मशीन लर्निंग का लेक्चर है हमारा, जो अभी हमने रिसेंटली अपलोड करा है, उससे पैरामीटर्स का एक सेक्शन हमने कट कर दिया है। उसमें पूरा पूरा वीडियो है, उसमें पैरामीटर्स का सेक्शन भी है। अगर आप शुरू से मशीन लर्निंग को देखना चाहते हैं तो वो वीडियो देखिए। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है, अब तक अपन बिक गए हैं इस चीज़ से, तो ये रहा, यहाँ जाइए और उसको देखिए। अगर पूरा देखना चाहते हैं, बेसिक से समझना चाहते हैं, उसमें काफ़ी कुछ है। अगर आप मशीन लर्निंग के बारे में कुछ जानते हैं प्रायर, पहले से कहीं काम कर रहे हैं, किसी तरह के इंजीनियर हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं या डेटा एनालिसिस में काम कर रहे हैं, और पैरामीटर्स को लेकर के आपके दिमाग में किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है, जो हम क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए जो हम अब बना रहे हैं। इसमें आपको प्रिसीजन, रिकॉल, एफ मेजर, एक्यूरेसी, इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। एक बड़ा सा शाउट आउट जाता है मेरे एडिटर को तबिश, और हम जितनी भी आप वीडियोस देख रहे हैं, जितनी भी हमारी मेहनत लग रही है, उसमें मेरे नॉलेज के साथ साथ तबिश की काफ़ी मेहनत है, क्योंकि उसने इस चीज़ को एनिमेट किया जो आपको देखने में अच्छा लग सके। जो लोग मुझे जानते हैं खम्मा गणी, जो मुझे नहीं जानते दुआ सलाम। चलो पैरामीटर्स पढ़ लो। अब हम इस चीज को जान चुके हैं कि मोटी मोटी बात पे कि सुपरवाइज्ड क्या है, सेमी सुपरवाइज्ड क्या है और अनसुपरवाइज्ड क्या है। ठीक है, अब देखो, जब भी अभी हमने क्या करा कि मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग है एंड क्लासिफिकेशन, बराबर ये दो टर्म्स हम लेके चल रहे हैं कि ट्रेनिंग भी है एंड क्लासिफिकेशन भी है। तो जब ट्रेन करोगे, क्लासिफाई करोगे, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है, कि तुम्हारा सिस्टम रद्दी काम कर रहा है, कि तुम्हारा सिस्टम नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए होते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, ये हमारा, इनको समझना बहुत जरूरी है, बड़े ही आसान है। ठीक है, लेकिन हमेशा ही मैंने देखा है कि इसमें कंफ्यूजन होती ही होती है। ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर में हम एक नया लेक्चर भी बनाने की कोशिश करेंगे, इसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स का टर्म आता है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, चलो पैरामीटर्स समझाते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर्स क्या होते हैं भाई, देखो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव, और दूसरे हो गए क्वालिटेटिव। ठीक है ना, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव कहने का मतलब क्वांटिटी बेस्ड, एंड क्वालिटेटिव कहने का मतलब क्वालिटी बेस्ड, है ना। देखो ना, एक में क्वांटिटी लगा हुआ है, ठीक है, एंड दूसरे में क्वालिटी लगा हुआ है। तो हम ये कहां, कैसे हमको कैसे पता चलेगा कहां पे क्वालिटेटिव निकलेगा और कहां पे क्वांटिटेटिव निकलेगा। ठीक है, देखो ये ना सीधी सीधी सी बात है, जो पैरामीटर्स ना एग्जैक्ट गिनती के बेस पे बनेंगे, ठीक है, इतना गिना तो ये बने, इतना गिना तो ये बने, दे विल बी कॉल्ड क्वांटिटेटिव। ठीक है, इसमें गिनती है। एंड क्वालिटेटिव पैरामीटर्स विल ऑलवेज बी इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन एनी सर्विस। ठीक है ना, अब अगर आ गया ना सर्विस वाला टर्म, फिर से हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का पहला लेक्चर सुनो भाई, सर्विस को समझने के लिए और उसके जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो कि तुम एक होटल में खाना खाने जाते हो, बराबर, अब तुमको वेटर को टिप देनी है, तो जो टिप की वैल्यू हुई वो क्वांटिटेटिव हुई, क्योंकि तुमको गिन के टिप देने। ठीक है, बट किसी वेटर के लिए या किसी स्पेसिफिक के लिए जो तुम्हारे मन में फीलिंग बैठी ना कि यार गजब, मतलब बहुत बढ़िया खाना, बहुत बढ़िया सर्विस, इट विल बी बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द सर्विस जो वो दे रहा है, जिस तरह से वो सर्व कर रहा है, जिस तरह का खाना वो तुमको खिला रहा है। अगर तुम पैसों के टर्म्स में बात करोगे तो क्वांटिटेटिव हो जाएगा, क्योंकि तुम गिन रहे हो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम
अगेन हमारी फ्रूट बकेट प्रॉब्लम पे चलते हैं, या चलो तुम्हारा इंटरेस्ट थोड़ा सा और डेवलप करते हैं, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, चलो एक नया सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सपोज कर लो, इसमें ना दो कैटेगरी के सपोज करो हमारे पास डेटा है, ठीक है। एक्स को सपोज करो हम क्रिकेट बोल देते हैं, ठीक है। अब तुमको दिख रहा है कि एक्स मेरा एक अलग जगह पे है, एंड सर्कल को हम सपोज करो फुटबॉल बोल देते हैं, ठीक है। हम समझ चुके इसको, एक्स इज व्हाट, एक्स इज क्रिकेट एंड सर्कल इज फुटबॉल, यानी कि ये डेटा है हमारे पास क्रिकेट एंड फुटबॉल का। तो तुमने किसी सिस्टम को क्रिकेट समझाया होगा उसको एक्स से समझाएंगे उसके फीचर से, एंड फुटबॉल समझाया होगा उसको हम फुटबॉल से समझाएंगे, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि हम अपने सिस्टम से ना एक्स चाहते हैं, यानी कि जो हमारी डिजायर्ड आउटपुट है दैट शुड बी क्रिकेट, शुडंट बी फुटबॉल, ठीक है। तो अब अगर तुमने अपने सिस्टम को कुछ सिखाया है तो तुमने उसको बोला कि भाई मुझे क्रिकेट का डेटा निकाल करके दे दो, तो वो सपोज करो ये डेटा निकाल करके ले आया। ये जो सर्कल हुआ ना जिसमें तुम्हारा सारा डेटा है, दिस विल बी टर्म्ड एज सर्च स्पेस, समझ रहे हो, ठीक है। सर्च स्पेस मतलब जहां ढूंढोगे भाई, ठीक है ना। ये डाटा हो गया फीचर्स के टर्म्स में होगा, और ये हमारे कैटेगरीज हो गए, यानी कि ग्राउंड टूथ हमारे पास क्या है, कितने ग्राउंड टूथ हो गए हमारे पास, दो ग्राउंड टूथ हो गए, वन टू, वन इज फॉर क्रिकेट एंड वन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड टू इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन योर ट्रेनिंग, जो भी तुमने ट्रेनिंग इंजन इस्तेमाल किया, देखो देयर आर लॉट ऑफ ट्रेनिंग इंजन, अलग अलग टाइप के, बाइनरी क्लास के लिए भी होता है, मल्टी क्लास के लिए भी होता है। हाँ, बाइनरी और मल्टी क्लास बड़ा मतलब सिंपल सिंपल सा टर्म है, वैसे तो तुमको पहले से पता है, लेकिन हम इस चीज को समझ लें कि बाइनरी होगा ना मेरे भाई, तो बाइनरी में सिर्फ दो क्लासेस होंगी, क्लासेस का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो सटोसा, ठीक है, वर्सी कलर, ठीक है। तुम कहोगे ये क्या है भाई साहब सटोसा और वर्सी कलर, एक्चुअली ये क्या है, मैटलैब में एक डेटा है फिशरीज नाम का, ठीक है। अगर मैटलैब पे जो लोग काम करते हैं, मैटलैब बहुत ही अच्छा टूल है, मतलब भगवान कसम बहुत अच्छा टूल है। मैं मैटलैब पे कम से कम 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, और इन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है ना भाई साहब, अगर आपको अपनी प्रोग्रामिंग अच्छी करनी है ना मैटलैब से करो। उन्होंने हर एक चीज को अपने बुक में इलस्ट्रेट कर रखा है, कौन सा एल्गोरिथम कैसे चलता है, सिंपल तुम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हो, उन्होंने डेटा भी दे रखा है, सैंपल भी दे रखा है, तुम सीख सकते हो कर सकते हो। हम मैटलैब की जब सीरीज शुरू करेंगे उसमें 6-7 लेक्चर्स का एक इकट्ठी सीरीज होगा, वो सारे देख लेना, तुमको मैटलैब बेसिक तो सारा ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी के लिए फिशरीज नाम का उसके अंदर में डेटा है, उसके अंदर सपोज करो ये दो क्लासेस है, उसमें तीन क्लासेस सेटोसा वर्सिकुलर एंड वर्जिनिका, ठीक है, ये फ्लावर के टाइप्स। तो अगर मैंने सिर्फ दो क्लासेस के बीच में क्लासिफाई करना है ना, तो ये क्या होगा, ये बाइनरी होगा। लेकिन अगर मुझे ये तीसरा कलर भी, जो हमने वर्जिनिका हम बोल रहे हैं कि ये हमारा तीसरा कलर है, अगर हमको ये भी ऐड करना हो तो दिस इज कॉल्ड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो अभी हम बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास दो जीटी हो गए, एक्स एंड ओ। एक्सो तुमने प्ले स्टेशन में भी सुना होगा, मेरा भी फेवरेट टर्म है, इसलिए हम एक्स और ओ से ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा सिस्टम क्या हुआ, तुम्हारा जो रिजल्ट स्पेस है, जो तुम्हारा रिजल्ट आया वो ये आया, ठीक है। अब देखो इसमें ना क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के अंदर में ना तुमने बड़े नाम सुने, प्रिसीजन, रिकॉल, एफ मेजर, कापा कोफिशियंट, एक्यूरेसी, कहां से आएगा, निकालना पड़ेगा ना। तुम कहते हो ना, तुम मतलब जितने पेपर पढ़ लो, ठीक है, सब में ये हमने क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी बढ़ाई, तो भैया कैसे निकलेगा क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी, तो हम पैरामीटर एनालिसिस से समझ लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ना चार टर्म्स है, ट्रू पॉजिटिव जिसको तुम टीपी बोलते हो, ठीक है, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। अभी देखो इसको ना समझने के लिए ना बड़ा सिंपल है, दो चीजें याद करो या समझ लो, याद करो, मेरे भी मुंह से निकल गया, मुझे ही वापस कर दो, ये याद करो समझो, ठीक है ना। याद नहीं करना है कुछ भी, याद करोगे जितनी बार तुमको जरूरत पड़ेगी हर बार याद करना पड़ेगा, समझोगे एक बार कई मर्जी फिट कर लो। लोग मेरे को फोन करते हैं या मेरे को मेल लिखते हैं या मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए मुझे अप्रोच करते हैं, वो हमें मशीन लर्निंग में रिसर्च करना चाहते हैं। मशीन लर्निंग में रिसर्च नहीं होती है, मशीन लर्निंग एक फील्ड है, मशीन लर्निंग एक
टेक्नोलॉजी है, इस चीज का इस्तेमाल तुम किसी फील्ड में कर सकते हो, जैसे तुम IoT में कर सकते हो, तुम कंप्यूटर विजन के अंदर में कर सकते हो। जिनको पता ना हो मैं बता दूं, कंप्यूटर विजन कहने का मतलब ये कि कंप्यूटराइज्ड ढंग से तुम पिक्चर्स को जैसे प्रोसेस करते हो, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर विजन। कहाँ लग सकता है भाई साहब, देखो आजकल के प्रोफेसर हैं इतने मच्योर प्रोफेसर, इतने ज्यादा, जिस तरह का स्ट्रेस लाइफ चल रहा है ना, एक बंदा बेचारा EMI भर रहा है, ज्ञानी से ज्ञानी आदमी भी ना परेशान बैठा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हेल्थ के इश्यूज बहुत बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तुम देख रहे हो हेल्थ इंडस्ट्री को लेकर के हर कंट्री काफी ज्यादा डेडिकेटेड है, और इसमें AI का बहुत बड़ा हाथ है, मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा। AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड जो है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृत्रिम ज्ञान, हिंदी में अगर हम देखने जाए, मेरा हिंदी बहुत फेवरेट लैंग्वेज रहा है शुरू से, तो मैं काफी कोशिश करता हूँ हिंदी के टर्म्स को इस्तेमाल करने का, मुझे अच्छा भी लगता है। देखो तो कृत्रिम, कृत्रिम क्या होता है, जो तुमने मैन मेड है, ठीक है ना। मैन मेड कहने का मतलब नेचुरल नहीं है, भगवान ने नहीं दिया। तो भगवान क्या देते, भगवान ने तुमको दिमाग दिया, अब तुमको काम आसान करना था तो तुमने क्या करा, तुमने मशीन को दिमाग दिया, तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तुमने उसको भेजा अलग से दिया, उसमें फिर तुम ML के आर्किटेक्चर को यूज करो, तो तुम इसमें स्टैटिस्टिकल एंड प्रोपोर्शनल यूज कर रहे हो, ठीक है, बराबर। तो अब यहां पे मान लो हमारे पास, हम बैक टू पवेलियन आ जाओ, दो टर्म्स तो देखो जितने भी है ना, ट्रू पॉजिटिव, ठीक है, ट्रू नेगेटिव, ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव है ना। तो इसमें देखो दो दो वर्ड्स हैं बेसिकली, अगर समझने चाहोगे तो, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। पहले तो ऐसे समझ लो कि एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, ठीक है। जो तुम सेलेक्ट करके लेके आओगे ना, चाहे सही चाहे गलत, उसको हम पॉजिटिव ही बोलेंगे, ठीक। कंफ्यूजन जगती है ना, ट्रू पॉजिटिव किसको बोलेंगे, ट्रू नेगेटिव किसको बोलेंगे, मैं समझा दूंगा। तो ऐसे समझ लो, जो सेलेक्ट हुआ सही या गलत, दैट इज पॉजिटिव, जो सेलेक्ट नहीं हुआ सही या गलत, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव, ठीक। अब समझते हैं ट्रू एंड फॉल्स, पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ में आ गया, एग्जाम्पल देखेंगे ना तो अभी और क्लियर होगा। तो अब हम समझते हैं ट्रू एंड फॉल्स, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव वो हुआ जो सेलेक्ट किया, नेगेटिव वो हुआ जो नहीं सेलेक्ट किया। ट्रू तुम समझ रहे हो, ट्रू का मतलब सत्य और फॉल्स मतलब गलत। तो जो तुम सही सेलेक्ट करोगे भाई, ठीक है, दैट इज ट्रू पॉजिटिव। यहां इस केस में जो हमारी प्रॉब्लम है, हम क्या ढूंढ रहे थे, हम ढूंढ रहे थे क्रिकेट, क्रिकेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। तो देखो एक्स के ना 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स इसने सेलेक्ट कर लिए, तो इसका TP यानी ट्रू पॉजिटिव हो गया 6, समझेगी नहीं, ठीक। अभी देखो इसने सेलेक्ट किए हैं फुटबॉल वाले भी, पॉजिटिव में आएगा। अभी मैंने इधर बताया, देखो नीचे जो सेलेक्ट करोगे पॉजिटिव उसको किसको बोलेंगे, दैट आर सेलेक्टेड, ठीक ठीक है ना, एंड नेगेटिव उसको बोलेंगे दैट आर नॉट सेलेक्टेड। अरे भैया, या तो लूटाओगे या तो छोड़ोगे, है कि नहीं। तो जब जो नहीं सेलेक्ट हुआ दैट इज नेगेटिव। सो सेलेक्ट होने में ये फुटबॉल भी है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही बनेगा, लेकिन तुमने गलत सेलेक्ट किया, दिस इज फॉल्स पॉजिटिव। तो फॉल्स पॉजिटिव का काउंट क्या हो गया, 2, समझे कि नहीं। अब देखो नेगेटिव जो तुमने छोड़ दिया, ठीक है ना, तो नेगेटिव में तुम्हारे सर्च इंजन ने बेस्ड ऑन योर ट्रेनिंग, जैसा देखो जितना अच्छा तुम ट्रेन करोगे ना, तो उतना अच्छा, जो अगर तुम जितना अच्छा उसको समझाओगे उतना अच्छा तुम्हारा सिस्टम उस चीज को पिक करेगा। तो ये जितना अच्छा ट्रेन होगा वो उतना ये एलिमेंट कम छोड़ेगा, ठीक है। नाउ ये ना छोड़ने नहीं चाहिए थे, ठीक है, ये छोड़े हैं हमारे सिस्टम ने, हमारे क्लासिफिकेशन के अंदर में, तो ये सही है। तो पहले तो नेगेटिव है, ठीक है, और ये सही है, यानी कि ये छोड़ नहीं थे, तो दिस इज कॉल्ड ट्रू नेगेटिव, ठीक है। तो ट्रू नेगेटिव का काउंट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज 6, ट्रू नेगेटिव इज 6, ठीक है। अभी भाई साहब हम तो एक्स ढूंढ रहे थे ना, ये तो हमको चाहिए था, लेकिन हमने छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव हुआ क्योंकि छोड़ दिया, सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन फॉल्स नेगेटिव हो गया, यानी कि हमको लेना चाहिए था बट हमने इसको छोड़ दिया। तो 1 2 3 हमारा ये फॉल्स नेगेटिव हो गया, तो TP हमारा 6 हो गया। 6 कैसे आ गया, देखो 6 एलिमेंट्स जो है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 एलिमेंट्स मेरे सेलेक्ट हुए हैं ट्रू में से, जो मुझे चाहिए थे वही मेरे सेलेक्ट हुए, तो TP इज 6, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव इज 2 बिकॉज
दो तुमने फुटबॉल के सेलेक्ट कर लिया, अपने को फुटबॉल मांगने। हाँ एक और चीज है, दुनिया में डेटा माइनिंग के अंदर में, मशीन लर्निंग के अंदर में कुछ भी सही या गलत नहीं होता। तुम कहोगे अभी तो कह रहे हैं सही सेलेक्ट किया गलत सेलेक्ट किया, कहते हैं कुछ सही नहीं होता कुछ गलत नहीं होता। देखो बंदू, जो क्वेरी होगी ना उसके रेस्पेक्ट में डाटा सही होना चाहिए। दैट इज द मोटिव ऑफ एनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। अभी वो फुटबॉल है तो फुटबॉल का डेटा गलत थोड़ी है, सिस्टम के अंदर में फुटबॉल का डेटा है तो सिस्टम को मालूम है इसको फुटबॉल बोल रहे हैं ना। तो जब फुटबॉल सर्च करोगे ना तो ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव उलट जाएगा जो तुम्हारा सर्च इंजन होगा, यानी कि जो मेरा रेलिवेंस हुआ वो बेस्ड ऑन क्वेरी हुआ। इसीलिए कहते हैं कि क्वेरी को समझो, तो क्वेरी से प्री प्रोसेसिंग लगाया जाता है ताकि क्वेरी से जो रेलिवेंट चीजें हैं वही पूछी जाए। तुम जितना इररेलीवेंट पोर्शन मशीन को दोगे उतना जम्बल होता जाएगा। ठीक समझ गए? तो ट्रू पॉजिटिव पता चल गया, फॉल्स पॉजिटिव पता चल गया, ट्रू नेगेटिव पता चल गया, फॉल्स नेगेटिव पता चल गया। ठीक है, तो इसके बेस पे तुम निकालते हो मेरे बंधु प्रिसीजन, इसके बेस पे तुम निकालते हो रिकॉल, टीपी बाई टीपी प्लस एफपी प्रिसीजन, सॉरी एफपी है ना, एंड दिस इज प्रिसीजन। ठीक है, रिकॉल टीपी बाई टीपी प्लस टीएन, ठीक है, दिस इज योर रिकॉल। तो एफ मीजर भी निकालोगे तो एफ मीजर इज ऑल्सो अ पैरामीटर, 2 × प्रिसीजन × रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल। समझे कि नहीं? ठीक है, अब इससे अगर एक्यूरेसी निकालनी हो कि तुम्हारा सिस्टम कितना सही प्रेडिक्ट कर रहा है तो कैसे निकालेंगे? देखो लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं, हमको ये सारे उठाने चाहिए थे, ये सारे, ठीक है, यानी कि जितने हमने सही उठाए वो तो न्यूमरेटर में होगा ही, इतने तो मैंने सही निकाल लिए हैं, ठीक है ना। तो हम एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे कि हमने सही कौन कौन से निकाले? टीपी। इसके अलावा मेरे दोस्त एक और चीज सही है जो निकाली गई, जो जो नहीं ली गई। देखो ना, हमको जो नहीं चाहिए अगर हम उसको छोड़ रहे हैं वो भी तो सही प्रोसेस है ना। तो टी एन जो हुआ ना ट्रू नेगेटिव, ये भी सही चीज है, इसको हमको ऊपर न्यूमरेटर में देना। ठीक है, तो टीपी प्लस टीएन डिवाइडेड बाई, ठीक है, अभी ये तुमने सही चीजें निकाली, जो तुमने छोड़ दिए वो भी सही नहीं थे सेलेक्ट होने वाले में से, और जो तुमने उठा लिए नहीं सेलेक्ट होने वाले में से वो भी सही नहीं है, तो वो क्या है मेरे? फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। तो जो टोटल ये इतने तुमने सही उठाए कितने में से? ये इतने थे टीपी प्लस टीएन प्लस एफपी प्लस एफएन, इतने में से ही उठाए ना, टोटल सैंपल्स इतने ही है। अब इसको मेरे भाई 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये तुम्हारी एक्यूरेसी निकल के आ जाएगी। मेरी बात समझेगी नहीं? ठीक है ना, देखो ना हम जो पैरामीटर्स निकाल रहे हैं ये तो इस बेस पे ही निकलेगा ना कि कैसे है कैसे नहीं। देखो तुम ना अगर चाहो तो इस चीज को ना बहुत इजिली गूगल भी कर सकते हो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुमको गूगल पे क्या करना है? तुमको जाके गूगल पे लिखना है प्रिसीजन एंड रिकॉल, ठीक है, विकिपीडिया, ठीक है ना। विकिपीडिया बेचारा बड़ा ही जो है अंडर रेटेड एक वेबसाइट हो रखा है आज के डेट में, बट अगर तुम इसको देखने जाओगे ना इसने दुनिया भर की सारी समस्याएं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सॉल्व कर रखी है। जो नहीं कर रखी है उसके लिए और भी वेबसाइट्स हैं, तो तुम मेरे को विकिपीडिया को लेकर के कमेंट मत करने लग जाना, ठीक है। ये देखो ये सेम एग्जाम्पल है, ठीक है, अब ये इस चीज को यहाँ पे इन्होंने डायग्राम से समझा रखा है। देखो ये क्या है, ये पूरा सैंपल स्पेस है, और ये ऊपर देखो ये कह रहा है कि रेलिवेंट एलिमेंट्स है। रेलिवेंट एलिमेंट्स मतलब इस समय के उसके रेलिवेंट एलिमेंट्स हैं जो वो सर्च करना चाहता है, और ये जो हुआ ये इसका सर्च स्पेस हुआ। देखो रिट्रीव्ड एलिमेंट्स है, ये पूरे सर्च स्पेस में से ये इसका रिट्रीव्ड स्पेस है। तो इसमें जो इसने सही सही उठा लिया, देखो ये जो तुम्हारा ये ट्रू पॉजिटिव लिखा हुआ है, जैसा कि हमारे जो हम अपना केस देख रहे हैं, हमारे केस के अंदर में भी यही चीज हमने हमारा सैंपल बनाया है ना कि ये देखो ऐसा ही कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्रिकेट और फुटबॉल लिख दिया, तुम यहाँ पे इसको इस टर्म में देख रहे हो, ठीक है। तो दिस इज ट्रू पॉजिटिव, जो सिलेक्ट हो गए, जो जो तुमने सिलेक्ट किए गलत वो भी पॉजिटिव में आया, तो दिस इज फॉल्स पॉजिटिव, दिस इज ट्रू नेगेटिव, दिस इज फॉल्स नेगेटिव। इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाओगे तो दुनिया भर के देखो फॉर्मूले दे रखे हैं, एफ स्कोर क्या है ये देखो, प्रिसीजन तुमको बताया, ठीक है, रिकॉल एफ एन है, मैंने गलती से यहाँ टी एन लिख दिया होगा, सॉरी सॉरी माई बैड, यस दिस इज एफ एन, फॉल्स नेगेटिव, माई बैड सॉरी, ठीक है, इतनी तो माफी तुम दे दोगे। चलो ठीक, तो ये दिस इज प्रिसीजन, दिस इज रिकॉल, एंड देखो एक्यूरेसी
ठीक वैसा ही जैसा मैंने तुमको बता रखा है कि ट्रू पॉजिटिव प्लस टी है। अब तुम ये फॉर्मूला देख रहे हो कि पहले से भी तुमको मालूम होगा, लेकिन शायद आज तुमको ये ज्यादा बेहतर से समझ में आ जाए कि ट्रू पॉजिटिव। इसके अलावा भी मतलब बहुत कुछ है पढ़ने वाला ना, जैसे अभी ये तुम देख रहे हो ना पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। अभी इस पे लेके जाओ, देखो वो बता देता है बेचारा कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसमें से कोई पैरामीटर नहीं। तो पढ़ के देखो, अगर कोई पैरामीटर नहीं समझ में आता है ठीक है, मेरे को जरूर पूछो, मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि मैं तुमको जवाब दे सकूं, ठीक है। आई होप कि आपको अभी तक का कुछ लेक्चर समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग समझ में आया होगा, पैरामीटर्स क्या होते हैं क्या नहीं होते, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, दिल खोल के करो, तुम्हारा अपना चैनल है, जितना मर्जी इसको आगे बढ़ाओगे उतना अच्छा होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी कि हम और जो रेलेवेंट और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम इस चीज के ऊपर बना सकें, ठीक। थैंक यू सो मच।